लो भाई ड्यूटी लग गई है। माओ भाई इधर, माओ भाई इधर, दोस्त बोला राम, चलो 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 चलो। अरे इसको तो ऐसा कर ले मेरे भाई, चल चल माऊ भाई। माऊ को घुमा रहे हैं हम, पहली बार माऊ बाहर निकला है घर से, नहीं मैं लेके निकला हूँ पहली बार, तीन चार दिन जब से ही आया है। हाँ वहाँ कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। हाँ इधर नहीं करने का पॉटी, इधर करने का कहाँ से मैं आ जा। हाँ अनशन कुछ नहीं खाने का, और भाई मुझे लगता है ना ये माऊ जो है ना ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये गाय का बच्चा है, क्योंकि घास खा रहा है। ये देखो अभी सूंघ रहा है घास, फिर घास खाएगा। मुझे लगता है ये सुअर का बेबी भी, क्योंकि सुअर का बेबी भी गंदगी खाता है ना, ये भी गंदगी खा रहा है। ये साला कुत्ता तो है ही नहीं ये। ये देखो ये क्या उठाया इसने, ये गैया है क्या तू हैं, ये खाने की चीज़ है, इतना महंगा फूड तेरे को खिला रहा हूँ, मुझे ये खाना है तेरे को। चल पॉटी करता नहीं, घर पे पॉटी करेगा, मुझे पता है ना ये। तो गाइज व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। एंड गाइज आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि आज मैं अपनी ड्रीम कार को बुक करने जा रहा हूँ, और एक महीने बाद फाइनली वो मेरे पास होगी। तो पहले उसको बुक करते हैं, उसके बाद वो पास आएगी। बुक पहले करना पड़ेगा, तब जाके तो हमारी वो हो पाएगी। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ निकिता को लेके महिंद्रा शोरूम। गाड़ी कौन सी है वहीं बताऊंगा, कौन सी बुक कर रहा हूँ वहीं सब आपको डिटेल में बता दूंगा। एंड निकिता को ये बात नहीं पता है, एंड मम्मी और निकिता के बीच में हो रखी है बहस, आपको पता होगा कल के वीडियो में देखा होगा। मम्मी बोलती है कि मेरे को थार लेना है, मम्मी और निकिता बोलती है कि तुम स्कॉर्पियो लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मुझे देखो, मैंने थोड़ा दिमाग चलाया कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगी स्कॉर्पियो एन, क्योंकि उस पर सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। थार में से दो लोग बैठ पाएंगे, पीछे वाली सीट कोई मतलब की नहीं है उसकी, बच्चे बैठ जाएंगे वो भी 100-200 किलोमीटर तक थक जाएगा आदमी, लॉन्ग टूर्स में पॉसिबल नहीं है। और स्कॉर्पियो एन ज़्यादा माफिया लोग है, ज़्यादा भयंकर गाड़ी है, ज़्यादा महंगी है, तो ज़्यादा प्रीमियम भी है। थार एक मैं डब्बा मानता हूँ, ठीक है उसमें ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इस प्राइस रेंज में, बट आई थिंक मुझे वर्थ इट नहीं लगी वो, तो इसलिए मैं उसको नहीं लूँगा, स्कॉर्पियो बुक करूँगा। बट मम्मी को मनाना पड़ेगा, और मम्मी को पता नहीं रहा कि मैं भी स्कॉर्पियो बुक कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मम्मी रफड़ा कर देंगी। बुक होने के बाद मम्मी को समझा देंगे, वो तब की तब देखी जाएगी मम्मी क्या बोलती है। मुझे पता है फंसना तो मुझे ही, क्योंकि मर्द और सास बहू के बीच में मर्द हमेशा फंसते हैं, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैंने गलती करी इन लोग से पूछ के, मुझे खुद बुक कर देना चाहिए था, बट सलाह जरूरी है फैमिली की। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हम अभी चलते हैं, बुक करके आते हैं, माऊ को भी लेके चलते हैं, माऊ का कुछ सामान भी लेके आना है पेट फूड का, वो भी लेके आएंगे और स्कॉर्पियो एन को बुक करके आएंगे। यस फाइनली। भाई कभी कभार ऐसा लगता है ना कि ये इंसान का बच्चा है, इंसान भी तो यही सोते हैं तकिए पे सर रख के। तो गाइस आई एम रेडी, ये जल्दी रेडी हो जाए फटाफट। तो गाइस चलते हैं फटाफट खाना खा के और अपनी मंजिल पे, अपनी अपकमिंग कार को। बहुत टाइम हो गया भाई मेरे को, कितना टाइम हो गया, हाँ जून में मैंने ली थी किया, उसके बाद मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, एक साल हो गया। अरे हाँ जिक्सर ली ना अभी, हाँ जिक्सर को लिए हुए मेरे को 6-7-8 महीने हो गए, तो 8 महीने से मेरे को गाड़ी ली नहीं है, तो इसलिए मेरे को खिलजी आ रही थी कि यार कुछ तो लूम है और निकलूँ इस शहर देश से, निकलूँ थोड़ा घूम फिर के आऊँ बढ़िया, तुम लोग को ऐसा कंटेंट दिखाऊँ ना एकदम एक्सक्लूसिव, किसी ने दिखाई ना हो, ऐसी जगह पर जाकर एक्सप्लोर करूँ कि तुम लोग बोलो वाह सुमित भाई ये तुम क्या कर दिया तुमने, मज़ा आ गया यार, जैसे तुम्हारा भाई खर्चा कर रहा है मोटा पैसा। चलते हैं बुक करके आते हैं। यस हमारी न्यू स्कॉर्पियो एन, भाई ऑल ब्लैक कलर लिया है तुम्हारा भाई ने, ऑल ब्लैक, काले शीशे, काली गाड़ी, काला हूटर, काली सब कुछ। यस तो गाइस हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। उसको क्यों लटकाया तूने माऊ को? अरे बेचारा चुपचाप बैठा तू हुआ यार, सुसु कर देगा तेरी उस पे तो फिर मत बोल। नहीं नहीं करेगा वो, जब नीचे उतरेगा तभी करेगा। तेरे को पता भी कहाँ जा रहे हैं? नहीं अभी पता पड़ जाएगा, चुपचाप बैठी रहे, मम्मी को बताना मत। और मम्मी को खुद पता पड़ने देना, मम्मी को बताएगी तो फिर घर से बाहर निकाल देगी मम्मी मेरे को और तेरे को भी, समझ गई? क्यों क्या की कुं कुं क्यों मत पूछ, बताऊंगा। ओह देखो गाइस कितने सारे कबूतर, एक कबूतर तेरे बाद भी तो लेटा हुआ है, ये कबूतर नहीं बंदर है। तो गाइस ओ आज माऊ और सो आज माऊ और बेबी सेम सेम हो गए। कैसे देखो खुद को और उसको माऊ को, शर्ट सेम सेम हो गई। हां और क्या चलो गाइस देखते हैं अब ये कहाँ लेके जा रहा है। तो भाई ये एडवांस निकलवा लिया है, टोटल मैंने 21,000 रुपए का एडवांस दूंगा, मतलब टोकन अमाउंट दूंगा, और जो पुराना टोकन मेरा जमा है वापस ले लूंगा मैं। ये एक दो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 माऊ उठ गया, देख माऊ उठ गया, नोट गिन के गिनती भूल गया। अरे 21 ही हो, 20 है भाई, 10-10 निकलते हैं ना आजकल एटीएम में, वो ज़्यादा निकलते नहीं है। ये रख लेता हूँ भाई इधर,
चलते हैं बड़ा बार, रिसिप्ट लेके आते हैं, टोकन दे के आते हैं, दैट्स इट, लेट्स गो। आओ यहाँ गदर मत करना, ठीक है, यहाँ गदर मत करना बेटा। आप आप माँ बोल रहा है भाई मैं तो मगर नहीं तो सो रहा हूँ। भाई ये है स्कॉर्पियो, और भाई तो बहुत ऊंची है बैठने में, और जबकि ये है Z4 मॉडल, इसको इन लोगों ने टॉप बना रखा है अलॉय व्हील्स वगैरह लगा के। अपना है भाई फुल टॉप मॉडल, ठीक है, ऑटोमेटिक डीजल, और ये देखो भाई, ओए होए, मतलब ये अपना इंटीरियर भी सेम ऐसा है, कुछ बटन यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब गाड़ी आएगी तब आपको दिखाऊंगा। एक महीना इन लोगों ने मुझसे बोला है कि आज जैसे 4 तारीख है ना, तो 4 अगस्त में ये लोग मुझे गाड़ी ला के देंगे, और मतलब एक महीना इन्होंने टाइम मांगा है, उसके बाद डिलीवर करवाएंगे ना, ठीक है भाई। अब बहुत जल्दी भी करवा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये देखो गियर वियर अपनी ऑटोमेटिक, हालांकि ये मैनुअल है, पर बैठने में भाई मज़ा आया, इसको ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखो, अब देखो, अब दिखेगा आपको बोनट सामने से, अब आएगी एकदम गैंगस्टर वाली फील। ये देखो पूरी ऊपर कर ली मैंने सीट, ये फुल ऊपर सीट हो गई। अरे पीछे हो जा, ये पीछे नहीं हो रही यार। ये देखो फुल ऊपर, अब देखो भाई, अब देखो ये दिख रहा है बोनट, इसका ही तो मजा है भाई, एकदम गैंगस्टर जैसा लुक आएगा। सीट को भी अच्छे लगा रखे हैं भाई, और फुल मजा भगाएंगे दौड़ाएंगे, इंटरनेशनल मारेंगे, कस्टमाइज कराएंगे, रेप करवाएंगे, अपने यूट्यूब का नाम लिखवाएंगे। मतलब इस गाड़ी पे मैं इतना काम करवाऊंगा ना भाई कि मतलब पूरे इंडिया में स्कॉर्पियो कहीं नहीं देखी होगी आप लोगों ने, इतना बढ़िया ग्राफिक कराऊंगा, कुछ कराऊंगा, मजा आ जाएगा पब्लिक को। देखो हॉर्न भाई, ओए एक नंबर भाई, एक नंबर। जबकि देखो गाइस ये जो है ना, ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये जो प्लास्टिक मटेरियल ही अपना फाइबर ही है, बट अपने को जो अपना मॉडल सब कुछ सॉफ्ट टच में मिल जाएगा, ये सॉफ्ट टच में मिल जाएगा, ये सॉफ्ट टच में मिल जाएगा, सीट तो लेदर मिलेंगी, ये पूरा अपने को लेदर मिल जाएगा, ये सॉफ्ट टच हो जाएगा लेदर के साथ, और इसमें 2 एयरबैग्स अपने को मिल जाएंगे, 6 एयरबैग्स। अबे माओ गंदी ना कर दे गाड़ी, फिर ये लेनी पड़ जाएगी सस्ती वाली है। देखते हो भाई चढ़ने में मजा आया है ना, ऐसा लगा सीढ़ी में चढ़ रहा है ना, मजा आया चढ़ने में, ऐसा नहीं कि मतलब मूड आया चढ़ गए, ऐसा नहीं भाई, चढ़ना पड़ता है, पकड़ना पकड़ने के लिए दिया है ना ये, जबकि इसमें सनरूफ भी नहीं, अपने में सनरूफ भी आ जाएगा। ये Z4 है, वाली दिखाना है उसकी, वो देखनी है एक बार, कौन सी उसकी ऑटोमेटिक वाली है, वो तो टेस्ट ड्राइव में मिलेगी, टेस्ट ड्राइव लेनी है क्या? हाँ ले लेते ना। अरे ले तो चुके हैं, कल फिर क्या लेंगे बाबा, थोड़ी लेंगे, मेरे को तो तुमने दिलाई नहीं, दिखा दो ना एक बार, सरप्राइज है जब आएगी तब देखना। अरे यार एक बार, और मम्मी को टेंशन है, मम्मी को बताना मत भाई, तो मम्मी लंका लगा देगी, मम्मी वैसे भी ब्लॉग में देखी लेगी, अब वो देखेगी तो वो अलग बात है, पर ऐसे बताना मत। ले माऊ ले माऊ हड्डी, ले माऊ हड्डी खा तेरी, ले माऊ, अबे इधर, ओ इधर है, इधर हड्डी, इधर है, अबे हड्डी इधर है, ओए अबे हड्डी इधर है, ये ले माऊ, माऊ ये ले, ये 15 मिनट खाता रहेगा उसको ऐसे ही। तो गाइस आज तो माऊ घूम ही घूम रहा है, ससुराल में रहेगा साली के साथ, चलो आओ साली संभालेगी, तू आगे बैठाएगी पीछे उसको, आगे बैठा जाए सब पकड़ के, चलो ठीक है, चल भाई माऊ जाएगा मेरे ससुराल, साली को बहुत परेशान करना, सासू माऊ की वाट लगा देना, चलो वो नानी भी आई हुई है मेरी, पता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10,000 हैं, ठीक है, इलाही नहीं है, कम में पड़ेंगे, महंगाई बहुत है, कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ मम्मी 5,000 में भी समझ में नहीं आता, 5,000 में ही आपको पता है कितने टॉप आएंगे, सब 3 टॉप आएंगे 5,000 में। जा रहा हूँ भाई अपने जिम, ये लोग जब तक शॉपिंग करेंगी तब तक मैं जिम कर लूंगा, इनको लेते हुए घर आ जाएंगे बढ़िया। अब 10,000 रुपए दे दिए, और गाइस देखो चीज, ये खुशखबरी बताना भूल गया आप लोग को, हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं पचमढ़ी, वो भी 15-16 लोग, हम लोग ने पूरे ट्रेवल बुक कर दिए, मतलब आप हम में तो आप आई ना मम्मी मौसी, उसको दिख नहीं रहा बैठा बिद्दी, अब ये ज्यादा मगरमच्छ है क्या, ये रोलिंग करके जा रहा है इधर, अबे तेरी ले, हाँ पचमढ़ी जा रहे हैं हम सब लोग,
16 लोग जाएंगे, मौसी मैं और हाँ डॉली जाएगी, प्रार्थना भाभी जाएगी, स्वीटी जाएगी, ये वही लड़कियां जो पहले समझ रहे हो, और हाँ जा रही है दोस्त है मेरी, पापा भी जाएंगे, मेरी पूरी फैमिली, मौसी जाएगी, डॉली, स्वीटी और प्रार्थना भाभी सब जाएंगे, बढ़िया मजा करेंगे भाई, चलेंगे कहीं और चलेंगे, नहीं पचमढ़ी, मैं पचमढ़ी अच्छी जगह है, सुन तो मम्मी को बताना मत, ठीक है, आज अपन क्या काम करके आए, ठीक है नहीं बताऊंगी, नहीं बताएंगे, बता मम्मी का कैमरा कर, क्यों मुझे क्यों नहीं बता रही हो, नहीं बताएंगे, नहीं बताऊंगी, बताना नहीं, नहीं मम्मी, मैंने अपने पति परमेश्वर को वादा किया है, वादा किया है, प्रण दिया है कि मैं आपको कोई चीज नहीं बताऊंगी, आपकी कसम कोई मायने नहीं रखती उसके लिए, देख यानी कि तू पति की नहीं मम्मी, आपकी कसम करेगी वो तो, लेकिन तो लेकिन लेकिन कदर करती हो ना, लेकिन आपसे पहले मैंने इसको वचन दे दिया ना, इसलिए तो आपको पता पड़ जाएगा हम क्या काम करके आए, हम लोग बड़ा काम करके आए, वो आपको पता पड़ जाएगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, वो आप कल वीडियो देखोगी तो आपको पता पड़ जाएगा, मम्मी बताऊं, नहीं नहीं पिद्दी नहीं, मैं लंका मत लगवा, देख फिर दिक्कत हो जाएगी, बताना अच्छा काम, मम्मी आप सासू माँ वो क्या दादी माँ बनने वाली हो, बन तो गई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वो अलग नहीं। बात है, अब आपको जब पता पहले कर चुकी, अब नहीं करना बिल्कुल भी, तो गाइस जिम डन, अच्छा वर्कआउट किया आज मैंने अकेला, बाइसेप्स वाइट ट्राइसेप्स मारे और कार्डियो किया 400 कैलोरीज का, मेरी इच्छा हो गई न्यू मार्केट में छोले भटूरे खाऊं, जो कि बहुत फेमस है वहाँ के, तो बोलोगे भाई जिम कर रहा है छोले भटूरे खा रहा है, भाई देखो जीरा नहीं छोड़ूंगा, बहुत टाइम से नहीं खाया, लास्ट टाइम खाए थे जब चेतन सर की शादी थी आज से 5 महीने पहले, उसके बाद से अभी तक छोले भटूरे मैंने खाए नहीं है, कुछ नहीं होता भाई एक बार खाने में, डेली डेली चीज़ खाओगे तो वहाँ पे नो नहीं है, प्रोटीन में डेली पियोगे तो दिक्कत देगा, लिमिट में चीज़ें करोगे तो कोई इशू नहीं है, छोले भटूरे 12 टॉप एक साल की फुर्सत, एक साल तो शॉपिंग नहीं कराई तुम्हें, और एक ड्रेस ले के आएगा, हां बढ़िया, लाओ ये भटूरे लगाओ, तो फैन लगा के देता हूं सब, एक से गरमा गरम भटूरे खाओ, मम्मी टेस्ट तो बढ़िया है, बस दाल से ही नहीं है, मम्मी एक नंबर बनाती है, मम्मी पर पतली है दाल, इनमें पतली है क्या, तो वो खराब चल रहा है, खाड़े में हो गया, तो भाई मेरे 30,000 पढ़ाने के बाद 10,000 तो इनको मैंने कैश दिए, 20,000 रुपए इन लोगों ने मेरे से और खाते में डलवाए, 50,000 लिए थे तुमसे और, हाँ वही तो देखो भाई 50,000 की शॉपिंग और छोले भटूरे भी खाए 350 रुपए के, अरे बाहर देखो बाहर, अब इनको खिलाते हैं अपन मेरा वाला फालूदा, मम्मी पता है हम जो भी खाते सिलेक्टेड खाते हैं, और ऐसा खिलाएंगे ना आपको फालूदा, आप बोलोगे यार ये मतलब फालूदा है ही नहीं, वो है कुल्फी फालूदा, अभी खिला रहे हैं सामने दुकान है, आ जाओ 60 रुपए का देता है वो, बढ़िया एक कटोरी, तीनों के कटोरी खाते हैं, एक एक लेना पहले, तीनों एक एक, हम तो पूरा सवाएंगे, तो ले, खा के तो देखे। चलो ठीक है खा के देखोगी, बार बार खाओगी, हाँ चलो मैं क्या वो लगाई नहीं, ओ लगी है दुकान, लगी दुकान लगी है, वो दुकान लगी है, दुकान लगी है, ये देखो रात में हम घूमते रहे, हम यही सभी करते हैं, हम क्या हम लोग खाते ही पीते हैं हम लोग, बढ़िया दूसरों को, क्या करता है, अरे ठीक है यार भाई लोग हैं अपने, ये देखो ये खाया इसका अपने, अरे वही तो, ये देखो बादशाह की गली में आके बादशाह का पता नहीं पूछते, दादा कैसे हो या कैसा लगा आया क्या है? उसको तो खिलाने दे, मजा आया नहीं, हम तो हमारे से खाएंगे, तो खाना नहीं, मैं दूसरे हिस्से की रोटी नहीं खाता, तूने खुशी में अच्छा खिलाया, नहीं कैसा लगा आपको, टेस्टी मजा मजा आया, अब तो यहीं से खाऊंगी, देखा पापा के साथ आते हो डेट पे आप, भाई पापा मम्मी जब डेट पे आते हैं ना तो आप यहीं पे खाया करो मम्मी, मजा आया ना बिद्दी, तो कैसा लगा, अभी चल रहे हो ना ट्रिप पे, ट्रिप पे भाई बहुत मजा आने वाला, 15-16 लोग है, माऊ भी जाएगा, और पूरी मैंने वो करवाई है, बस फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, ट्रिवल करवाई है, बहुत मजा आएगा, चिल करते हुए जाएंगे, पचमढ़ी जितने भी लोग है भाई, सैटरडे को होटल इंद्रप्रस्थ में आ जाना, बाहर मिल जाऊंगा मैं आपको, शाम को 7 बजे तक आ जाना भाई, ठीक है, उसका मेरा पीने का टाइम चालू हो जाएगा तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, चलो अरे मतलब जीने का टाइम, लाओ अंकल भैया को चम्मच दे दो उसमें, हाँ भैया वो चम्मच देना, वो स्क्वायर वाला चौकोर वाला, तो गाइस ठीक है आज के लिए इतना ही, और भैया मैंने माऊ को बाहर बंद कर दिया, साला बहुत उदंग मचा रहा, गाड़ी में एकदम साइलेंट मोड पे बैठा हुआ था, यहाँ के रिंग मोड वाइब्रेट मोड अनसन मोड में आ चुका है, देखो देखो देखो, सिर्फ मैंने गेट बंद करके बाहर भगा दिया, भाई बहुत थक गया हूँ आज, तुम्हारे भाई बहुत खुश हो गया, तुम्हारे भाई ने अपनी ड्रीम कार बुक कर दी है, स्कॉर्पियो जब से लॉन्च हुई थी ना गाड़ी तब से मेरा प्लान था कि मैं उसको परचेस करूँ, बट मैं वेट कर रहा था कि गाड़ी अभी नई है तो उसमें बहुत चीज़ें मिस्टेक्स होंगी, कुछ इशूज़ आएंगे, कस्टमर उसकी कंप्लेंट करेंगे, ये लोग
कंपनी वाले उसका फीडबैक लेके उसको क्रॉस चेक करेंगे और उसको सुधारेंगे। तो गाइस अब गाड़ी में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, सब ओके है, छोटे मोटे इशूज, सनरूफ लीकेज का इशू था वो शायद सॉल्व हो गया होगा। अरुण पवार भाई की गाड़ी में ये लीकेज था, मैं वीडियो देखा था एक डेढ़ साल उस बात को हो गया, बट सब कुछ ओके गाइस, इसलिए मैंने गाड़ी बुक कर दी है और अब इंटरनेशनल ट्रिप जाएंगे। हमारी पहली ट्रिप होगी गाइस नेपाल या फिर भूटान की, कमेंट करके बताओ कहाँ जाना है। एंड गाइस मीटअप रखूँ नहीं रखूँ डिलीवरी पे मुझे कमेंट करके बताओ, तो आप जैसा बोलोगे ऐसा अपन कर लेंगे भाई, वही करते हैं आगे भी करेंगे। अरे खोल दे भाई उसको खोल दे भाई, छपरी आई है देखो, छपरी कपड़े बहुत डिसेंट कपड़े लेके आई, उसको बाहर उसको बुला भैया उसको खोल, नहीं तो सारा गेट बेट तोड़ देगा वो। कहाँ बंद किया तूने उसको, बाथरूम में रखकर रखा कहाँ है, इधर भाऊ ये री देखो क्यों गदर क्यों करेगा, गदर करेगा गदर करेगा गदर करेगा हैं हरामी कहेगा। ये देखो ये पागल छपरी, हाँ भाई हाँ भाई, ये देखो पागल हो गई। यस ओ तो गाइस ठीक है आज के लिए इतना ही, और एंड गाइस कल ओ इधर सुन सुन कल मम्मी को क्या बोलना है कि हमने स्कॉर्पियो अनबुक करी, मम्मी को कार के पीछे थी, अब कल ही मम्मी वीडियो देखेगी तो वीडियो में हमने साफ तरह बताया कि हम थार लेने की स्कॉर्पियो ले रहा अपन भैया, मैंने वीडियो में बोला है और मैं चाहता हूँ मम्मी को पता पड़े, तो पता पढ़ने दे कल उसको क्या दिमाग में क्या है तेरे वो सोच ले, ताकि मम्मी को उल्लू बना सके। लड़ाई हो जाएगी मम्मी से, क्या बात कर रही है, तलाक होगा फिर अपना। चल तो ठीक है, तो गाइस कल ही कल देखते हैं मम्मी क्या रिएक्शन होता है। एंड गाइस हम परसों निकल रहे हैं रोड ट्रिप पे भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया गाड़ी करी है, मतलब मेरा ड्रीम था कि ऐसी गाड़ी करके हम सब लोग फैमिली वाले हिल स्टेशन पे जाएं, और एमपी में हिल स्टेशन पचमढ़ी। बाकी ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सनी को सुमित विद माय सिया एंड माय माऊ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।